15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उनके करियर के खास लम्हे थे। बैकग्राउंड में गीत बज रहा था। इस वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन ने भारतीय क्रिकेट और क्रिकेट फैंस में हलचल मचा दी। कैप्शन में लिखा था, इस सफर के लिए आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत शुक्रिया। आज 19:29 यानी शाम 7:29 से मुझे रिटायर समझा जाए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर धोनी ने रिटायरमेंट के लिए वक्त 19:29 ही क्यों चुना। धोनी की करीबियों की माने तो 15 अगस्त को भारत में अंतिम सूर्यास्त शाम 19:29 पर हुआ। गुजरात स्थित भारत के सबसे पश्चिमी इलाके गुहार मोटी में सूरज 19:29 पर डूबा। एक करीबी सूत्र ने कहा, धोनी अपने करियर को एक समानांतर अंत देना चाहते थे। वो सूर्यास्त में चले जाने के समान लकीर खींचना चाहते थे। ये बहुत सोच समझ कर दिया गया फैसला था। जिस तरह उन्होंने वक्त लिखा 19:29, ये समय लिखने का सेना का तरीका है। ये सेना के लिए उनके प्यार को दिखाता है। ये तो सभी को पता है कि धोनी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से सम्मानित हैं। सेना में एक एक मिनट कीमती है। वैसे भी धोनी को लोगों को हैरान करने की आदत है। अपने करियर में वो कई बार अपने फैंस को चौंका चुके हैं और आखिर में भी रहस्यमय वक्त के साथ सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि 15 साल के करियर में 350 वनडे खेल चुके धोनी ने साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। भारत के लिए उन्होंने 90 टेस्ट और 98 टी20 मैच भी खेले हैं। धोनी के नाम भारत की तरफ से सबसे ज्यादा कप्तानी का रिकॉर्ड है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 60 टेस्ट, 200 वनडे और 72 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की है। ब्यूरो रिपोर्ट।